हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम बच्चों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कैसे बहुत ही इजीली सिखा सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वी कॉल इट अ कॉमन नाउन। जब भी हम किसी नेमिंग वर्ड के बारे में बात करते हैं और वो कॉमन नेम होता है किसी भी आदमी, जगह, जानवर और किसी चीज़ का, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गर्ल, गर्ल्स, बॉयज। देखिए, गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ तो मैं उनके पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, पूरी जाति के बारे में बात कर रही हूँ, तो यह है कॉमन नाउन। पर जैसे ही हम गर्ल का कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए रेखा बोला है, तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मतलब जब हम किसी पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन। जैसे बॉय, वो लड़के बहुत होशियार हैं, तो ये हो गया है कॉमन नाउन। पर जब मैं बोलूँगी बॉय का, अगर मैंने कोई नाम रख दिया जैसे जॉन, जॉन बहुत ही अच्छा लड़का है, जॉन बहुत ही होशियार है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिटी, डॉग, बुक, ये कोई इनका नाम नहीं है, तो ये है कॉमन नाउन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बच्चे का कैसे टेस्ट ले सकते हैं। सर्कल द कॉमन नाउन, सबसे आसान तरीका ये होता है। जैसे गंगा, अब गंगा लड़की का भी नाम हो सकता है, गंगा रिवर का भी नाम हो सकता है, तो ये है एक किसी एक जने का नाम, एक नदी का नाम, तो ये हो गया है प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन नहीं है। पर जब मैं बोलती हूँ कार, कार भाई अलग अलग कंपनी की होती है, अलग अलग तरीके की होती है, तो ये हो गया है कॉमन नाउन। इस तरीके से हम बच्चे को बोल सकते हैं। टीचर, टीचर मतलब होता है, टीचर मतलब अध्यापक। अब भाई अध्यापक तो हिंदी का भी होता है, मैथ्स का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, पर जब मैं सिर्फ टीचर बोल रही हूँ तो वो है एक कॉमन नाउन। नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली है एक प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे लिखा होता सिटी, जैसे यहाँ लिखा है सिटी, तो ये है एक कॉमन नाउन। इसी तरीके से गर्ल, जैसे मैंने आपको बताया लड़की, तो ये भी होता है एक कॉमन नाउन। अगर लड़की का कोई नाम हो, जैसे यहाँ पे रेखा लिखा है मैंने, रेखा है अगर, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो ये सबसे आसान तरीका होता है, मतलब कॉमन नाउन होता है वो नाउन जिसमें आपको किसी का भी एक स्पेशल नाम नहीं पता है। तो चलिए अब प्रॉपर नाउन देख लेते हैं। चलिए अब प्रॉपर नाउन देख लेते हैं। व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज अ प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए यहाँ पे अब एक प्रॉपर नेम की बात होगी, मतलब अगर वो पर्सन है तो उसका नाम हमें पता होगा, राम, मोहन, सोहन, जो भी उसका नाम होगा। प्लेस है तो हमें उसका नाम पता होगा, दिल्ली, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है। एनिमल है तो मुझे उसका नाम पता होगा, इसी तरीके से कोई चीज़ है तो मुझे उसका नाम पता होगा, तब वो होगी प्रॉपर नाउन। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप इस तरीके से बच्चे को दे सकते हैं अंडरलाइन करके कि अब आप बताओ कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन। डॉग इज मैंस बेस्ट फ्रेंड, तो ये जो अंडरलाइन है ये है कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे डॉग है। अगर डॉग का कोई नाम होता, शीरो होता, तब हम लिखते प्रॉपर नाउन। ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल कॉन्टिनेंट, अब ऑस्ट्रेलिया एक जगह का प्रॉपर नाउन है, तो ये हो गया है प्रॉपर नाम है, इसलिए ये हो गया है प्रॉपर नाउन। डेविड इज माई गुड फ्रेंड, अब यहाँ पे डेविड लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया है प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से आप बच्चे को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत ईजिली सिखा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।